ओके, अभी आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस ठीक है, अब इस पेज पे काफी कुछ है, आपको सब कुछ अभी के अभी देखने की जरूरत नहीं है, पर हम जब भी कक्षा प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले जब हम कक्षा में आते हैं या जाते हैं, हम हमेशा नमो नमः करते हैं सबको, मतलब एक तरह से नमस्ते। ओके ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए ऊपर लेफ्ट हाँ साइड में। नमो ठीक नमः है, नमो नमः अर्थात आपने थोड़ी बहुत स्कूल के टाइम संस्कृत तो पढ़ी होगी, तो इसका अर्थ तो समझ में आ गया होगा। नहीं, हम लोग को संस्कृत नहीं था, अच्छा, एक मिनट बताता हूँ मेरे को। हिंदी मराठी सिर्फ था और इंग्लिश। हाँ, हेलो। हाँ तो मयूरी जी, हम पूरी कक्षा में अधिकतर संस्कृत में ही कोशिश करेंगे बात करने की, और जहाँ भी आपको कोई भी चुनौती हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं, इंग्लिश में पूछिए, हिंदी में पूछिए, मराठी में पूछिए, जैसे आपको जमता है आप कोशिश कीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे उस तरह से। ठीक है, अब नमो ठीक है नमः सर, का मतलब है हम जैसे नमस्कार या नमस्ते करते हैं, तो वो कौन सी भाषा है? राइट, मराठी या हिंदी होती है। हाँ, मराठी में भी नमस्कार करते हैं, हिंदी में भी नमस्कार करते हैं। ठीक है, और वो निकला है नमः और कार उससे, तो यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ मैं, नमः धन कार, तो उससे बना नमस्कार। जब उनकी, और ओके ये हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे कि वो संधियां कैसे होती हैं, पर अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉमन शब्द है, बहुत उपयोग करते हैं हम, किसी से मिलते हैं, अलग हो, दूर जाते हैं, तो नमस्कार आप कभी भी कर सकते हैं, है ना, मिलने के समय भी और जाने के समय भी। तो नमः और कार, कार का अर्थ है उसकी ध्वनि, किसी भी चीज की ध्वनि, तो नमस्ते की ध्वनि या नमः कर, नमन करने की ध्वनि इज नमस्कार। ध्वनि एज इन साउंड। हाँ, साउंड यहाँ पे लिख देता हूँ ओके मैं आपको, और ये जो पूरा वीडियो है आप क्लास के बाद ग्रुप में हम भेजते भी हैं, और आज तक जितने वीडियोस हुए हैं इस पर्टिकुलर बैच में, और दो बैचेस चलते हैं एक्चुअली, अभी 4 बजे शाम को एक चलता है जिसमें अभी हम बैठे हैं, और एक शाम को 7 बजे भी होता है, तो उसकी भी मैं इनवाइट भेज दूंगा, आप उसको ओके भी जब जब भी चाहे, चाहे इसको ज्वाइन करें चाहे उसको ज्वाइन करें, सब में आपको फायदा ही होगा, मजा आएगा, और बाकी लोगों से बात करने मिलेगा जब जो पार्टिसिपेंट आते, ओके क्योंकि कभी कोई ज्वाइन करता है कभी कोई दूसरे लोग ज्वाइन करते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो लोग कम से कम पहले के वीडियोज देख लेते हैं, हम क्योंकि ग्रुप में शेयर करते हैं, तो आपका पहले का क्या क्या हुआ है आपको यदि देखना है तो ग्रुप में आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, और नमः मतलब नमन, नमस्ते करना, किसी को भी प्रणाम करना, तो आपने इससे मिलते जुलते और शब्द सुने होंगे, जैसे हम बोलते हैं ना ओमकार, ओमकार सुना है? हाँ सुना तो ओमकार मतलब ओम की ध्वनि, जहां भी कार लगा उस पिछले वाले शब्द की ध्वनि, हाँ वैसे जयकारा सुनना है, जयकारा शेरावाली का जयकार, हाँ सुना है। तो उसका क्या अर्थ होगा? जय की ध्वनि। हाँ, तो जहां भी हमने कार अंत में लगाया उसका मतलब है कि पिछले वाले जो भी शब्द है उसकी ध्वनि, तो इसलिए नमस्कार मतलब नमन की ध्वनि या नमस्ते करने की, प्रणाम करने की आवाज, प्रणाम करने की ध्वनि। ठीक है, तो अब नमः जो है इसका अर्थ तो आप समझ गए कि
नमो नमः जब भी हम कहते हैं इसका मतलब है कि दो दो बार आप बोल रहे हैं नमस्कार नमस्कार नमो नमः। अच्छा नमो नमः। ठीक है, तो जब भी हम कभी क्लास में ज्वाइन करते हैं चाहे आए चाहे जाएं, जाने के समय भी आप नमो नमः कह सकती हैं और आने के समय भी। ठीक है, इतना आपको समझ गया। अब हम यहाँ जो राइट साइड में ये पिक्चर बना हुआ है इसको देखिए। तो हम अभी क्या करेंगे, सबसे पहले कक्षा शुरू होने के समय हम ओम का उच्चारण करते हैं। अब ओम जो है ये यहाँ पे ओम ओम नाम से भी आपने सुना होगा शब्द को, ये लिखा हुआ है ओम। तो ये तीन अक्षरों से मिल के बना है, अ उ और म। अ और उ को जब हम जोड़ देते हैं तो ओ जैसा आवाज भी आ सकती है, उसको ला सकते हैं, पर अ और उ जो है यदि अलग अलग आप शुद्ध रूप से बोलेंगे तो वो ज्यादा फायदे का है। अब वो फायदे का कैसे है, तो अब हमको एक बार आंखें बंद करके पहले मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है, क्या चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये जो ये एक योगी जैसा एक तस्वीर बनी है, आशा है कि योगी जैसा दिख रहा हो, जो भी दिख रहा है, पर ये दाईं तरफ अ उवर म लिखे। तो अब देखिए कि अ जो है, अ की ध्वनि हमारी नाभि के आसपास से, मतलब जो पेट का हिस्सा है वहां के आसपास से अपने आप निकलती है। तो जब भी आप आंख बंद करके बोल के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि वो उधर कहीं से वो साउंड निकल रहा है और फिर वो पूरे बॉडी में पूरे शरीर में गूंजता है। तो एक एक दो दो चार सेकंड के लिए आंखें बंद करके आप कोशिश करके देखिए सिर्फ अ अ की आवाज। अभी सब अभी होगा, अपनी क्लास में सब अभी Hello? होता है। ओके okay. तो मेरे को क्या बोलना है, अ अ बोलना है, सिर्फ अ की ध्वनि, सिर्फ अ, अभी सिर्फ अ पहला अक्षर। और ये ध्यान देना है कि आपको वो पेट के आसपास से, मतलब शरीर में कहां से वो निकल रहा है आपको खुद समझ में आएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं मानना है, वो आपको अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि वो वहां से आता है। स्टार्ट करूं? हाँ बिल्कुल आराम से। आपको अनुभव होता है कि वो नीचे नाभि के आसपास से कहीं से वो निकलता है शब्द नाभि के आसपास। हाँ, और अब हम इस ये जो चित्र बना है इसमें ये देखेंगे, ये जो पीले पीले आपको बिंदु दिख रहे हैं ये हमारे चक्र हैं। ठीक है, तो चक्रों के बारे में शायद आपने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल कॉर्ड पीठ में, उसकी अलग अलग लोकेशंस पे, उसकी अलग अलग बिंदुओं पे हमारे चक्र जो हैं, जिनको एनर्जी सेंटर्स भी बोलते हैं, इंग्लिश में एनर्जी सेंटर्स बोल सकते हैं और हिंदी और संस्कृत में चक्र बोलते हैं, जो बहुत मेजर ऐसे बिंदु हैं जहाँ से ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। लेकिन अधिकतर लोगों के चक्र जो हैं एक दूसरे के साथ में मिलके काम नहीं कर रहे होते। यदि साथ में मिलके काम करने लगे तो शरीर में कोई मतलब बीमारियां गड़बड़ियां होती ही नहीं। तो यदि हम चक्रों को समझ लें और उसके लिए काम करने लगे, उनको मदद करने लगे किसी ना किसी तरह से, तो अपने आप शरीर में छोटी मोटी कोई भी परेशानी किसी को होती है वो होगी ही नहीं। तो जो सबसे नीचे बना हुआ है ये असल में सामने से फोटो है, लेकिन असल में ये पीछे है, मतलब क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर है।
है ना। तो जिस जगह पे हम जैसे जमीन पे बैठते हैं आलती पालती मार के, तो वो जमीन पे जहां पे हमारा रीढ़ की हड्डी पीछे जमीन पे छूती है उसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र। तो यहाँ पे एक जगह मैंने और बनाया हुआ है, वो दिखा देता हूँ तो आपको ज्यादा आराम से समझ में आएगा। देखता हूँ जल्दी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर से बना दूंगा। हाँ ये बना हुआ है, तो एक मिनट। हाँ तो ये मूलाधार चक्र जो है जिस जगह पे हम जमीन पे बैठते हैं वो जहां पे जमीन को छूता है वो मूलाधार चक्र, पहला चक्र। ठीक है, धीरे धीरे आपको नाम याद हो जाएंगे, अभी के अभी याद करने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो धीरे धीरे हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ समझ लीजिए कि क्या कर रहे हैं हम। तो मूलाधार चक्र है, फिर अगला चक्र जो है ये नाभि से थोड़ा सा नीचे, नाभि से 2 उंगली नीचे कहते हैं इसको योग विज्ञान में, इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान, ये लिखा हुआ। और फिर नाभि से थोड़ा सा ऊपर तीसरा चक्र है, वो है मणिपुर। मणिपुर चक्र जो है हमारे पाचन तंत्र से भी संबंधित है, डाइजेशन सिस्टम। और हर चक्र का अलग अलग संबंध है किसी ना किसी शरीर की प्रक्रिया से। अभी मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मणिपुर का मुझे ध्यान में था इसलिए बता रहा हूँ। तो मणिपुर का जो है पाचन तंत्र से संबंध है। फिर अगला चक्र जो है ये हमारे हृदय के आसपास उस जगह पे रीढ़ की हड्डी पे होता है, वो है अनाहत। ठीक है, तो इसको हृदय चक्र भी कहते हैं, पर अनाहत उसका असली नाम है। अनाहत जो है उसका ओरिजिनल या योग में जो नाम होता है वो अनाहत है। हृदय भी उसके पास में है, वो एक संयोग है, हृदय हृदय चक्र इसलिए भी बोलते हैं। फिर जो पांचवा चक्र है वो है विशुद्धि, जो हमारे गले मतलब कंठ में होता है, कंठ के पीछे आप कह सकती हैं, तो वो है विशुद्धि चक्र। ठीक है, और अब जो ऊपर हम जब बढ़ेंगे तो भौं, हमारी जो आंखों की भौं है, भौहों के बीच में जहां पे हम तिलक लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं, आप बिंदी लगाती होंगी या हाँ मैं तिलक लगाऊंगा, जिस जगह पे हम तिलक लगाते हैं वो है आज्ञा चक्र। आज्ञा 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 या आज्ञा, थोड़ा अलग अलग तरह से लोग उसको बोलते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है आज्ञा चक्र। ठीक है, और इसके ऊपर जो है मतलब हमारी बिल्कुल सिर के ऊपर, वो चक्र को हम योग विज्ञान कहता है कि वो चक्र हमारे शरीर में नहीं होता, वो शरीर के थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब इट्स लाइक हवा में होता है, उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, वो सातवां है। यहाँ पे जो लेफ्ट बाईं तरफ लिखा हुआ है सहस्त्रार, वो सबसे ऊपर। ठीक है, तो अब ये चक्र अलग अलग हैं जिनमें यदि नीचे से ऊपर की तरफ ऊर्जा प्रवाहित हो तो शरीर के लिए और शरीर के सारे जो हमारे गतिविधियां हैं, सारे सिस्टम्स हैं, इनके लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब इनको ये अपने आप रेगुलेट करने लगता है, मदद करता है हर चीज में। ठीक है, तो अब हम वापस वो ओम के चित्र पे चलते हैं, क्योंकि अब आपको वो समझेगा कि अपने जैसे हमने देखा ना कि अ की जो ध्वनि है वो नाभि के पास से आती है। नाभि के पास यार हाँ, तो अब हम ऊ बोल के देखेंगे। तो जो दूसरा अक्षर है, तो यहाँ पे ये चित्र में बना भी हुआ है कि अ का जो साउंड है वो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है वहां के आसपास से आ रहा है, और फिर जो ऊ की ध्वनि है वो आपके हृदय चक्र के आसपास से आपको पता चलेगा कि वो वहां से ही आ रही है, ऊ की ध्वनि। और इसी प्रकार म जो है, ओम का म जो हम अंत में बोलते हैं, वो विशुद्धि में आ रहा है, जो हमारे गले में होता है, कंठ में। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जब हम ओम एक साथ बोलते हैं तो
वो नीचे से ऊर्जा निकल के अनाहत से होके विशुद्धि तक पूरी आती है और पूरे शरीर में गूंजती है। तो ये शरीर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। जब जितनी बार आप ओम कहेंगी, कभी भी, जैसे किसी को मिले तो हरि ओम, किसी को फोन किया तो हेलो की जगह हरि ओम, आजकल हम बहुत सारे लोग करते हैं, कई लोग दूसरे शब्द भी बोलते हैं, जैसे राम राम करते हैं, जय विठ्ठल करते हैं, जय हनुमान करते हैं, ऐसे अलग अलग शब्द बोलते हैं, पर ओम वाला शब्द कोई बोला तो उसका जितना फायदा है, उसका जितना लाभ है, वो बाकियों में उतना लाभ नहीं है। तो भगवान का नाम लिया वो उसमें कोई नुकसान नहीं है, पर ओम बोला तो आपके शरीर के अंदर भी बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि वो ऊर्जा जो है जितनी बार आप बोलेंगे वो ऊर्जा अपने आप ट्रांसमिट होती है इस तरह से। हाँ ठीक है, तो चलिए अब ऊ की ध्वनि एक बार निकाल के देखते हैं और आप अपने खुद ही नोटिस करके देखिए कि वो कहाँ से आ रही है। तो फिर से आंखें बंद करेंगे और एक बार ऊ की ध्वनि हम करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी कर लीजिए। हाँ, हृदय के पास क्या? और अब जो म म की ध्वनि है वो भी ट्राई कर लेते हैं, तो वो कंठ से आपको बिल्कुल पता चलेगा कि वो वहां से ही आ रही है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ गया है। तो अब हर कक्षा में हम क्या करते हैं कि ओम का उच्चारण, पूरे 1 मिनट तक हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो आप मेरे पीछे पीछे भी बोल सकती हैं, या म्यूट करके आप अलग से भी बोल सकती हैं, आपको जैसा ठीक लगता है, मतलब इसमें कोई बंधन नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है या जैसा आराम लगता है वैसा हाँ, बोल आपके सकती। साथ ही बोलती हूँ, पर हाँ, मेरे पीछे पीछे बोलती, जैसे मैं एक बार ओम बोलूंगा फिर मैं रुक हाँ, जाऊंगा, आपके आप साथ फिर बोलूंगी ओम पर बोलिए। वो म्यूट करके बोलती हूँ पर आप। चलेगा, चलिए तो आंखें ठीक बंद है, करते ठीक। हैं और ओम का उच्चारण शुरू करते हैं। ओके। अभी मैं बीच में आधे में रुक रहा हूँ, 3 ओम के उच्चारण हम और करेंगे अभी, पर आप जब आंख बंद करके ये करते हैं तो आपको इस बार वो तीनों जो ध्वनियाँ हैं अ उ और म, तीनों के आपको अलग अलग कहाँ से आ रहा है आपको अपने आप नोटिस करना, सिर्फ ध्यान देना है कि अपने शरीर में किस तरह से वो मूव होता है, वो पूरी आवाज मूव होती है। तो जैसे आपने अ बोला तो नीचे से आएगी, फिर उ बोलेंगे तो वो अपने आप ऐसा लगेगा जैसे ऊपर चढ़ के आ गई, और फिर म बोलेंगे तो वो और ऊपर चढ़ के आ जाती है। हाँ, पर मैंने ये वो एक्सपीरियंस किया अभी हाँ जब बिल्कुल, जब ये वही मैं करना है। ओम बोल रही थी। हाँ वही करना है, और जब हम बोल के अंत में समाप्त करेंगे तब आपको अपने आप लगेगा कि कितना एक्स्ट्रा एनर्जी जैसी अपने शरीर के अंदर फील होती है, और वो 2-3 में भी हो जाता है, मतलब आप 2-3 उच्चारण भी करेंगे तो भी आपको वो अनुभव होगा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो बचे हुए 3 हम और करते हैं फिर से।
अब हम रुक सकते हैं, आपका भी यदि बोलना हो गया है तो। हाँ सर बोलिए। तो ये चीज हम हर कक्षा के पहले करेंगे, ठीक है और अब आपको उसका महत्व समझ गया है तो हर बार फिर इतना पूरा समझाने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ओम को हम अपने दिनचर्या में जितना ज्यादा उपयोग कर सकते हैं उतना ही अच्छा है, उतना शरीर के लिए भी अच्छा है, उतना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महाशिवरात्रि पे रात्रि जागरण क्यों करते हैं, आपको पता है? नहीं अच्छा, तो वैसे तो साल में हर महीने एक न एक शिवरात्रि आती है, हर महीने पे एक शिवरात्रि होती है, तो जो अमावस्या के पहले वाला दिन होता है उसको शिवरात्रि कहते हैं। लेकिन महाशिवरात्रि जो है वो मार्च के महीने के आसपास आती है, फरवरी मार्च में, मतलब उस समय फागुन का महीना होता है, जो अपने पंचांग के हिसाब से फागुन का महीना होता है, जिसको फाल्गुन भी लिखते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है कि पृथ्वी से आकाश की तरफ, जो पृथ्वी की आप पृथ्वी जो है इसमें भी मैग्नेटिज्म होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है, ये आपको पता होगा, है ना? तो महाशिवरात्रि का दिन जो है ऐसा विशेष होता है कि उस दिन पृथ्वी से ऊपर की तरफ अपने आप ऊर्जा का संचार होता है, नेचुरल होता है। तो जो फायदा हम ओम बोल के ऐसे हर दिन थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, हर दिन हमको शरीर को फायदा दे रहे हैं, महाशिवरात्रि के दिन यदि आप जाग रहे हैं, मतलब सीधे हैं, अपनी रीढ़ की हड्डी जो है पृथ्वी के परपेंडिकुलर है, तो जो वो नेचुरली वो एनर्जी ऊपर उठ रही है उसकी मदद से हमारे शरीर में भी उसका फायदा होता है। तो इसलिए महाशिवरात्रि को जगना बहुत अच्छा होता है, बहुत शरीर को भी फायदा करता है, और वो बहुत पावरफुल रात है, मतलब वो सिर्फ उसी दिन होता है, मतलब उस रात को होता है। तो उसके साथ और भी कई चीजें जोड़ दी गई हैं, जैसे कहते हैं कि शिव पार्वती, भगवान शंकर जी और पार्वती जी का विवाह भी उस दिन हुआ था, तो हुआ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। पर लोगों को जगा के रखने का एक तरीका है कि आप किसी तरह भजन करो या नाच गाना करो, कुछ भी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें करते हैं, कहीं कुछ कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, गाना बजाना, नाच कूद, किसी ना किसी बहाने आपको सीधे रहना है, फिर बैठे रहें चाहे खड़े रहें, दोनों में से कुछ भी चलता है, पर सीधे रहना, लेटना नहीं है उस दिन। तो ये महाशिवरात्रि में जो ऊर्जा है वो अपने आप ऊपर जाती है, तो वो फायदा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो नमो नमः हमने शुरू में सीखा कि किसी जब भी हम कक्षा में आते हैं तो नमो नमः कह सकते हैं, तो नमो नमः का मतलब है नमस्ते और नमस्ते, या आप सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं लोगों को या किसी एक को या ज्यादा लोगों को। अब उसको पक्का करने के लिए कि मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि सभी को नमस्कार, अपन कहते हैं ना जैसे कहीं पे पहुंचे किसी कमरे में घुसे और हम हिंदी में या मराठी में कहते हैं सबको नमस्कार, सर्वान्ना नमस्कार ऐसे बोलते हैं, तो उसी तरह संस्कृत में हम सर्वेशाम कह सकते हैं। तो सर्वेशाम नमो नमः, ये जो नीचे लिखा हुआ आपको दिखेगा, इसका मतलब है सभी के लिए नमस्कार। एक पूछना था। हाँ बोलिए। ये सर्वेशाम म का उच्चार आता है कि न का उच्चार आता है, वो जो डॉट है ऊपर? हाँ, अब वो थोड़ी एडवांस संस्कृत है तो हम वो धीरे धीरे बदलेंगे, अभी के लिए हम सब स्टैंडर्ड म ही उच्चारण करेंगे, जो म का उच्चारण है, पर वो थोड़ी एडवांस्ड संस्कृत है, जब जब हम अगला अक्षर क्या है उसके अनुसार हम ये बिंदी का उच्चारण करेंगे, जो अनुस्वार है। हाँ, तो जैसे अगला अक्षर प से होता या अगला अक्षर त से होता, तो उनके हिसाब से भी फिर ये पिछले अनुस्वार का उच्चारण बदल जाता है।
फिर वो न का उच्चार आता है ना उसमें से शायद। हाँ तो कहीं कहीं पे आता है, अब वो चीज हम बाद में सीखेंगे, वो अभी के लिए सीखेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी से याद रखने के लिए। तो अभी शुरुआत के लिए हम जहां पे भी आपको अनुस्वार मिलता है तो अब उसका म का उच्चारण ही कीजिए, म। ठीक है ठीक है, तो वो एक चीज है। और जब भी आप कक्षा में बैठते हैं ना तो कागज पेन, कागज पेंसिल या कुछ साथ में लेके रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकती हैं, खुद कुछ लिखना चाहती हैं, कुछ याद रखना चाहती हैं। और वैसे ये वीडियो तो बाद में मिल ही जाएगा, तो उसकी मुश्किल नहीं है, वीडियो तो मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप यदि स्वयं कुछ प्रयास करेंगी तो वो याद ज्यादा रहेगा, ध्यान में, दिमाग में ज्यादा दिन अच्छे से रहेगा। ठीक है, अब एक और उपयोग है ये जो आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा है। जब भी हमको कक्षा में आम हाँ कहना है, यस या हाँ, तो आप आम कह सकते हैं। आम का अर्थ है हाँ संस्कृत में। तो जैसे मैंने कुछ पूछा तो आपको बोलना है हाँ, तो आप बोल सकती हैं आम आचार्य। आचार्य शब्द भी साथ में लगा सकती हैं, या कोई और यदि लोग हैं अभी कक्षा में, जैसे कभी कभी मैं और लोग जो आपको ग्रुप में दिखे, व्हाट्सएप में जो ग्रुप है ना उसमें दिखेगा कि और कौन कौन लोग हैं, उसमें नाम भी दिखते हैं किसी किसी के। तो कभी कभी अरुण जी आते हैं, फिर चारुलता जी आती हैं, कई सारे लोग आते हैं। तो फिर जिसका भी नाम लेके आपको बोलना है उनसे भी वैसे बोल सकते हैं, आम, आम अरुण जी, आम चारुलता जी, या जो भी जिसका नाम है। ठीक है, तो हाँ के लिए आम, और नहीं के लिए न है, और नहीं भी बोलते हैं, दोनों उपयोग होते हैं संस्कृत में। अकेला न भी होता है और नहीं भी होता है, छोटी की मात्रा के साथ। तो जब नहीं बोलना है तो न, या हाँ बोलना है तो आम। ठीक है, और जब बोलना है ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना ठीक है, ठीक है, कुछ भी आप मैंने बताया और आप अभी भी जैसे बोलती हैं ठीक है, तो वो ये है अस्तु। तो आप बोल सकते हैं अस्तु आचार्य, अस्तु अरुण जी, या सिर्फ अस्तु बोलेंगे तो भी चलेगा। तो अभी हम शुरू में ऐसी ऐसी चीजें सीख रहे हैं जो हर दिन इतनी बार उपयोग में आएंगी आपको, चाहे यहाँ पे कक्षा में रहें चाहे आप घर पे रहें। ये अस्तु, नमस्कार, नमो नमः, ये कहीं भी आप उपयोग कर सकती हैं। तो ऐसी चीजें अभी हम पहले सीख रहे हैं जो हमको बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाली, बहुत ही दिन में 50 बार भी हो सकता है उपयोग में आएंगी। ठीक है, और संस्कृत ऐसी भाषा है कि दुनिया की 100 से भी ज्यादा भाषाएं संस्कृत पे आधारित हैं। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है, 126 लगभग भाषाएं हैं जो संस्कृत के ऊपर आधारित हैं। तो इसको सीखने में अपना एक भाषा सीख रहे हैं वो एक चीज है, पर भाषा के साथ संस्कृत से हमारी संस्कृति भी पूरी जुड़ी हुई है। आप पूजा करते हैं, मंत्र करते हैं, सब जगह संस्कृत का ही उपयोग होता है। मंदिर में जाते हैं या हम अपने कई सारे ग्रंथ पढ़ते हैं, रामायण है, महाभारत है, और भी बहुत सारे हैं, सब में संस्कृत हमको मिलती है। तो उसको सीखने का इसलिए भी बहुत ज्यादा फायदा है कि कहीं भी आपको पढ़ने में आता है या दिखता है तो आप आराम से पढ़ भी पाएंगे उसको, उसका उच्चारण भी कर पाएंगे। कोई और पूछ रहा है उसके बारे में कुछ तो उसको आप दूसरों को भी बता पाएंगे कि इसका क्या अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो इसलिए संस्कृत सीखने का डबल ट्रिपल आनंद है, सिर्फ एक भाषा नहीं है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं संस्कृत के साथ। और जब हमको नॉट ओके बोलना है कि ठीक नहीं है कुछ, तब उसी का उल्टा है अस्तु का, मास्तु, नीचे लिखा हुआ है। तो इसका एग्जांपल दो।
हाँ उदाहरण के लिए यहाँ पे उसी के नीचे लिखा हुआ है देखिए कि चिंता मत करो, हम बोलते हैं ना जैसे किसी ने कुछ गलती कर दी, कुछ किसी के हाथ से पानी गिर गया या चाय गिर गई, तो अपन उस वो बोलने लगता है अरे सॉरी सॉरी, तो हम आराम तब हम बोल सकते हैं चिंता मास्तु चिंता मास्तु, चिंता मत करो चिंता मत करो, डोंट वरी चिंता मत, डोंट वरी जो कहते हैं ना अपन इंग्लिश में, या परवा नहीं अपन मराठी में बोलते हैं ऐसा, तो हाँ वही हाँ वही यहाँ पे चिंता मास्तु। चिंता मत। और आपको ये भी दिखेगा कि बहुत सारे मराठी में भी शब्द हैं, हिंदी में भी शब्द हैं, और भी भाषाओं में मिलते हैं जो संस्कृत में जैसे होते हैं वैसे ही के वैसे हम अपनी भाषा में भी उपयोग करते हैं। जैसे चिंता जो शब्द है, चिंता हिंदी में भी उपयोग होता है, चिंता हिंदी मराठी में भी आता है, मराठी में आता है ना, मैं तो मराठी थोड़ी हाँ थोड़ी सीख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपसे ही हाँ पूछ चिंता लूंगा कि मराठी में, किंवा काळजी, चिंता हाँ ऐसे किंवा बोलते हैं ना। काळजी। हाँ तो कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो वैसे ही के वैसे जैसे संस्कृत में हैं बिल्कुल वैसे ही के वैसे अपनी भाषाओं में भी उपयोग होते हैं, तो डोंट वरी बोलने के लिए चिंता मास्तु। चिंता मत। ठीक है तो इतना तो आप समझ गए। अब यदि कुछ गलती हो गई, अपन से कोई गलती हो गई, या अपन मान लो क्लास में 5-10 मिनट देर से पहुंचे, या जल्दी निकलना है कहीं जाना है तो आपको जल्दी जाना है कहीं बीच में छोड़ के, तो हम एक्सक्यूज मी जो कहते हैं अंग्रेजी में कि माफ करना, वो ये है क्षम्यताम या क्षमस्व, क्षमा मांगते हैं हम जब, तो क्षम्यताम ज्यादा उपयोग करते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए मुझे जाना होगा, तो क्षम्यताम जो है एक्सक्यूज मी के लिए या आई एम सॉरी इस तरह से बोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। तो आई एम सॉरी के लिए भी और एक्सक्यूज मी के लिए भी, दोनों के लिए एक ही शब्द दोनों में है से क्षम्यता। हाँ एक ही एक्सप्रेशन है। ओके पर कैसी स्थिति के हिसाब से भी संस्कृत में कुछ कुछ उपयोग बदलते हैं, तो जैसे जैसे वो उपयोग आएगा तब मैं बताऊंगा, तो अभी के लिए हम वो ध्यान में रख सकते हैं कि क्षम्यताम मतलब जैसे अपन से कुछ अपन 5 मिनट देर से आए कक्षा में, तो आप बोलेंगे सर्वेशाम नमो नमः क्षम्यताम, या क्षम्यताम सर्वेशाम नमो नमः, तो लोगों को समझ में आ जाएगी कि आप देर से आई तो आप सॉरी भी बोल रही हैं और फिर नमो नमः आपने सबको कर दिया तो नमस्ते भी हो गई। ठीक है अब ये दाईं तरफ एक और चीज लिखी हुई है, अस्ति और नास्ति। ठीक है अस्ति मतलब है, कोई चीज है, आहे जो अपन मराठी में आहे बोलते हैं वो है, और नास्ति मतलब नहीं है। तो यदि मैं पूछूं, उदाहरण। हाँ यदि मैं पूछूंगा संस्कृत कक्षा अस्ति, तो आप उत्तर दे सकती हैं अस्ति, संस्कृत कक्षा अस्ति मतलब संस्कृत कक्षा है। मतलब संस्कृत कक्षा है। और यदि नहीं है आज नहीं है तो आप बोल सकती हैं ना अस्ति। ठीक है सिर्फ ये ध्यान रखना है कि संस्कृत में जब भी हम उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है। शुद्ध का अर्थ है कि जब मैंने अस्ति बोला तो अस्ति में तो सीधा सीधा है कि इसमें दूसरी और कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ अ और स्ति में छोटी ई की मात्रा है वो उपयोग हो गया। फिर अब जब हमको ना अस्ति बोलना है तो इसको नस्ति नहीं कह सकते, ना अस्ति या न अस्ति बिल्कुल शुद्ध अलग अलग बोल सकते हैं, या फिर ना अस्ति
जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे का वैसा उच्चारण करना है। नास्ति। हाँ, तो उच्चारण भी शुद्ध होगा और सुनने वाले को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा नहीं होगा। और कुछ अच्छा लगा आपको तो उत्तमम। उत्तमम। गुड अपन कहते हैं ना, तो उत्तमम। और बहुत ही अच्छा लगा तो अति उत्तमम। हाँ, अति उत्तमम। ठीक है, तो हम लोग, क्योंकि जो लोग भी संस्कृत कक्षा में, हम लोग सब साथ में पढ़ते हैं, तो आजकल हम ये सब शब्द हर जगह उपयोग करते हैं। मतलब कहीं किसी ने कोई संदेश भेजा, चाहे वो व्हाट्सएप में हो, चाहे कहीं और भी हो, फेसबुक फेसबुक पे, तो भी हम इस तरह से उत्तर देते हैं, उत्तमम, अति उत्तमम, क्षम्यताम। तो जहाँ पे भी हमको पता रहता है कि दूसरा जो इंसान है उसको भी थोड़ी बहुत संस्कृत आती है, या कभी ना कभी शायद स्कूल में पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी होगी तो फिर वो पूछेगा कि अरे इसका मतलब क्या है, तो फिर आप बता सकते हैं एक मिनट में, तो उसको भी थोड़ा नया कुछ ज्ञान पता चलेगा। वही अरुण जी ने किया मेरे साथ, जब मैं बात कर रही थी उनसे व्हाट्सएप पे, तभी उन्होंने वो कुछ गुड नाइट के लिए उन्होंने लिख के भेजा मुझे। शुभ रात्रि तभी कुछ। हाँ नहीं, उन्होंने कुछ अलग लिख के भेजा था, मेरे सुनक्तम। पास है वो, महोदय करके कुछ लास्ट में था। हाँ, हाँ, तो फिर तभी मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से सीखते हो संस्कृत, तो देन ही टुक योर नेम। तभी ओ, मैंने उनको अच्छा। बताया मुझे भी इंटरेस्ट है कर सीखने में। हाँ, अरुण जी ने मुझे परसों ही बोला था कि आपको ज्वाइन कराना है, तो फिर तो आप कहाँ पे हैं? आप भी आंध्र प्रदेश में है क्या कहीं पे अभी? नहीं, मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई में। अच्छा, बढ़िया है। हाँ तब तो मैं पुणे में रहता हूँ, तो ओके। और वैसे सब इंटरनेट पे अभी, तो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किधर है। हाँ सब जाना आना तो सब जगह बंद है अभी, पर फिर भी चलिए। तो आप, मुझे उन्होंने, अरुण जी ने बताया था कि आप रोबोटिक्स में कुछ काम करती हैं, तो किस तरह का क्या हाँ काम है? मैं आपने अपना एक्चुअली परिचय तो अभी मैंने पूछा ही नहीं, तो आज पहले वो कर लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली मैं रहती हूँ मुंबई में, डोंबिवली में। हाँ। यहाँ पर मैं मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, और मैं फिलहाल के लिए तो एक होटेलियर हूँ, एज इन मैं होटेल्स में काम करती थी, होटल मैनेजमेंट किया है मैंने। 5-6 साल से मैं 5-स्टार होटल में काम करती थी, हाँ। सेंट रीजेस होटल में, मुंबई लोअर परेल में है वो। एंड और उसके बाद मैं वर्ली में काम के लिए थी, सेल्स मैनेजर के तौर पे काम करती थी वहाँ पर, बैंकर सेल्स के लिए। एंड अच्छा। फिर अभी फिलहाल के लिए आपको पता ही होगा, होटेल्स और सब रेस्टोरेंट सब कुछ बंद हो हाँ, चुका अभी है तो बंद फिलहाल है। कोविड की वजह से, तो इसीलिए मैंने ये एक वर्क फ्रॉम होम के लिए एडुकेशनल लाइन अभी फिलहाल के लिए जो चल रही है, यू नो, और वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं उसमें सेल्स हाँ। के तौर पर, तो इसके लिए मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया। 5-6 मंथ मैं काम कर रही हूँ किस चीज ये में? ऐसे फील्ड में, एडुकेशन। ये एक एडुकेशनल फील्ड है बेसिकली, जहाँ पर हम लोग इंस्टीट्यूट में है ना, ये इंस्टीट्यूट में हम लोग स्टूडेंट्स को रोबोटिक्स, इनोवेशन, कोडिंग, यू नो, 3D डिजाइनिंग, ये हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, पाइथन, सिंटैक्स, एंड यू नो, ओ, वो सारी अच्छा, चीजें, ऐप डेवलपमेंट। हाँ, छोटे तो बच्चों को। मैं हाँ, इट इज फ्रॉम एज ग्रुप ऑफ फ्रॉम 1st grade ऑनवर्ड टू यू नो टिल यू नो इट्स लाइक यू नो एल्डर पीपल कैन ऑल्सो लर्न। अरे वाह, तो हमको बताइए इसके बारे में जानकारी, अपने, हमारे और भी कई ग्रुप्स हैं जिनमें इस तरह की चीजों में लोगों को इंटरेस्ट होगा, शायद उनको रहेगा, या उनके बच्चों को रहेगा, या उनके किसी भाई भतीजे को रहेगा। तो तो अरुण जी ने एक्चुअली वो इंक्वायरी की थी, शायद फेसबुक या इंस्टाग्राम से भी किया होगा उन्होंने कुछ रजिस्टर, तो तभी मैंने उनको कॉल किया था बताने के लिए ये सारी चीजें है करके, हम लोग जो सर्व करते हैं यहाँ पे। तो तभी उन्होंने मेरे से डिटेल्स मांगी, शायद से आपके ग्रुप में उन्होंने शेयर की होगी कि नहीं पता नहीं, पर उन्होंने वापस
क्या होगा फिर, मैं पूछता हूँ अरुण जी से भी पूछ हाँ. लूंगा, और आपके पास रहेगा तो आप मुझे डायरेक्ट भी भेज सकती हैं, क्योंकि मैं भी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, तो कुछ मतलब ये चीज नहीं पढ़ाता हूँ पर दूसरा कुछ पढ़ा, संस्कृत पढ़ाता हूँ और भी मैं ट्रेनिंग्स करवाता हूँ कॉर्पोरेट्स की, तो किसी ना किसी को तो काम आ ही सकता है. मैं तो बचपन से संस्कृत में हूँ, मतलब स्कूल में तो हम संस्कृत पढ़ते ही हैं, लगभग 5 साल तक संस्कृत पढ़ते हैं, छठवीं से लेके छठवीं सातवीं आठवीं नौवीं, तो उतना तो है ही, लेकिन मैंने कभी संस्कृत छोड़ा ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरह, चाहे फिर वो कोई कहानियाँ हो, पंचतंत्र हो, हितोपदेश हो, रामायण है, महाभारत है, हमारे वेदों के बहुत सारे मंत्र हैं, सुभाषित हैं, तो जहाँ भी मुझे जिस भी तरह से मिलते हैं मैं उनसे टच में भी रहता हूँ और उनको याद भी करता हूँ और लोगों को बताता हूँ, समझाता हूँ. हमारे जैसे गायत्री मंत्र है, फिर महामृत्युंजय मंत्र है, तो इनका अर्थ क्या है, क्यों है इस, मतलब सिर्फ बोलने के लिए हम बोल रहे हैं वैसा नहीं है, हर एक का बहुत बड़ा हमारे शरीर के ऊपर भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत लाभ मिलता है और भी बहुत लाभ होते हैं, तो ये सब मैं हमेशा से, मुझे रुचि भी रहती है तो मैं पता लगाता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ, तो अब क्योंकि मैं सीखता रहता हूँ इसलिए मैं सिखाता भी हूँ. तो संस्कृत मैंने स्कूल के बाद भी कभी छोड़ा नहीं, तो इसलिए मुझे, और मुझे पढ़ाने का वैसे भी बहुत शौक है, तो मैं भी एजुकेशन फील्ड में ही हूँ, योग सिखाता हूँ, संस्कृत सिखाता हूँ, और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में और भी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ लोगों को. आज रात में भी अभी एक तो 7 बजे एक और संस्कृत क्लास रहेगी, फिर 8 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मेरी एक और ट्रेनिंग है, जो मैं यूएस का एक ग्रुप है उनको सिखा रहा हूँ. तो संस्कृत के बारे में ही आप सिखा रहे हो उनको भी? संस्कृत वाले जो हैं वो यूएस, मतलब वो भी कई सारे यूएस, यूके, ऐसे ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं के लोग हैं, वो अपनी 7 बजे वाली क्लास में आते हैं, लेकिन जो बाद में 8 बजे वाले में है उसमें संस्कृत नहीं है, उसमें दूसरा है, उसमें एंटरप्राइज आर्किटेक्चर का नाम सुना है क्या आपने? मतलब कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना, उसको संभालना, उसको मैनेज करना, उसको एक्सपैंड करना, ये सब चीजों के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया ट्रेनिंग है जो कोई भी ले सकता है, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता कि आईटी वाले लेंगे या नॉन आईटी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ले सकता है. तो वो है रात वाली ट्रेनिंग जो है 8 से 11. पर ये जो आपने रोबोटिक्स का बताया ये बढ़िया है, तो उसकी जानकारी आप ग्रुप में भेज सकती हैं, क्योंकि ये ग्रुप वैसा है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सब लोग संस्कृत सीखते हैं, तो जो संस्कृत से जुड़ा हुआ है आप वो तो बिल्कुल पूछ सकती हैं, या कुछ कुछ आपको नया मिलता है तो बता सकती हैं. और रोबोटिक का जो आपने बताया वो आप मुझे डायरेक्ट भेज दीजिएगा, जो यदि कोई आपका ऐसा पोस्टर वोस्टर है या कुछ और जानकारी है कि कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे इसमें रजिस्टर करते हैं, क्या करते हैं. तो ये कैसी वीकली क्लासेस होती हैं क्या आपकी, या फिर डेली होती हैं? इसमें कैसा होता है ना सर कि मतलब बच्चों के लिए हम लोग कोर्सेज रखते हैं या वर्कशॉप भी होते हैं. आजकल कैसे वेकेशन पीरियड चल रहा है तो यू नो 10 दिन के वेकेशन कोर्सेज होते हैं, मतलब दिन में वो लोग सिर्फ 1-1.5 घंटे का वर्कशॉप होता है, या अभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने 5 दिन का वर्कशॉप रखा है, यू नो उनको कुछ स्पेसिफिक हाँ इसके बारे में हम लोग बताते हैं. प्लस हम लोग टूलकिट भी डिलीवर करते हैं उनको घर तक, ताकि अभी फिलहाल के लिए कैसे सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है तो वी नीड टू एक्चुअली गिव देम अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर सेंड toolkit also, which will help them, you know, give them a little hands-on experience and, you know, more of practical knowledge there, rather than only staring at the computer or a laptop, they are doing something or create something, right?
तो कोई टूल किट मतलब एक्चुअली कोई फिजिकल चीज भेजते हैं आप घर पे? यस यस, इट्स बेसिकली एन आर्डिनो टूल किट हम लोग उनको भेजते हैं, जिसमें सेंसर्स होते हैं सर्किट्स बनाने के लिए, यू नो जंपर वायर्स होते हैं, ब्रेडबोर्ड होता है, नो ऑल दैट इज देयर इन टू इट. बढ़िया बढ़िया. सो दे क्रिएट दोस काइंड ऑफ यू नो प्रोजेक्ट्स देयर. वो टूल किट में 100 से भी ज्यादा आप प्रोजेक्ट बना पाओगे एज एन इम्पैक्ट. मतलब आप क्या कर सकते हो, आपको अगर इंटरेस्ट होता है कि यू नो आपको अगर फोन कैसे चलता है, उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, या रिमोट कंट्रोल कैसे चलता है, उसको आप डिसमेंटल करके, आप डिसमेंटल तो कर पाओगे सर, पर उसको वापस जोड़ नहीं पाओगे ठीक से, क्योंकि आपको वो अभी तक नहीं आता वो चीजें, सर्किट कौन सी वायर किसको ज्वाइन करनी है या वो सब. तो यहाँ पर वो एक टूल किट अगर हम लोग आपको देंगे तो उससे आप वो कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो वो चीजें, और उस बेसिस पे आप हाँ देख सकोगे कि वो सेंसर किस तरह से काम कर रहे हैं, या यू नो विच वायर शुड बी कनेक्टेड टू विच पार्ट, सो दैट यू नो दैट प्रोडक्ट विल स्टार्ट वर्किंग बेसिकली. तो वही हम लोग सब लोग ये टूल किट के थ्रू करते हैं, रादर देन यूजिंग योर ओन प्रोडक्ट which you are at home, which are actually usable at home, like आपके आपको गीजर के हीटिंग के बारे में जानना होगा किस तरह से करते हैं, तो उसको खोल के तो नहीं देख पाओगे आप लोग. तो बेटर डू समथिंग ऑन अ टूल किट रादर देन स्पॉइलिंग योर ओन स्टफ देयर, यू नो दैट वे. सो यू कैन प्रैक्टिस मोर ऑन दिस काइंड ऑफ अ टूल किट, इसके लिए हम लोग भेजते हैं वो वाला. अच्छा, तो ये तो बढ़िया आइडिया है. कितने की होती है ये, मतलब ये कोर्स के साथ ही है या अलग से टूल किट मंगानी पड़ती है लोगों को? सी बेसिकली कोर्स के साथ भी होती है, एंड इफ यू वांट टू टेक इट सेपरेटली आल्सो तो हम लोग वो भी करते हैं. तो कोर्स के साथ अगर आप लेते हो तो उसका फायदा होगा, बिकॉज आप पता नहीं चलेगा ना वो टूल किट से क्या करना है अगर सीखेंगे नहीं आप. तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि एक इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है या वर्किंग प्रोफेशनल्स है बेसिकली, जिनको ये सब में इलेक्ट्रॉनिक या आर्डिनो में बेसिकली कुछ रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है थोड़ी बहुत एज अ पैशन, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो पर ये सब में भी थोड़ा सा पैशन रखते हो, तो आप ना ऐसा कुछ वर्कशॉप या क्रैश कोर्स कर सकते हो जिसमें आपको टूल किट के साथ ये 5 days में हम लोग आपको पूरी तरह से यू नो सिखाएंगे भी कि उसका मतलब बिगिनर लेवल से इनडेप्थ पूरा नॉलेज हम लोग आपको देते हैं, ताकि आप बाकी के यू नो घर बैठे भी वो प्रोजेक्ट आप खुद से एग्जीक्यूट कर पाओ. अच्छा अच्छा, बढ़िया है. तो इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में और बताइएगा, मतलब मुझे मैसेज या जो भी आपके पास कुछ रहेगा लिंक विंक वो भी भेज दीजिएगा, जो जो दूसरों को भी मैं बता सकूं. और मेरे पास एक पाई है, रास्पबेरी पाई, तो वो भी सिमिलर ही होता है ना आर्डिनो और पाई? यस, आर्डिनो एक बेसिक मतलब कैसा होता है रोबोटिक्स का, अगर आप सीख रहे हो या कुछ कर रहे हो तो आर्डिनो इज अ बेसिक कि आपको वो आए तो फिर आप आगे अपग्रेड कर सकते हो रास्पबेरी पाई पे, ऐसा इट्स अ लिटिल हायर वर्जन, एडवांस लेवल होता है उसका. ओके ओके, मतलब मैं वो चीजें पाई पे नहीं कर सकता हूँ जो आप आर्डिनो पर सिखा रही हैं, या उसमें भी कर सकते हैं? It's similar. ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर इट्स अ लिटिल एडवांस लेवल. जिसको आर्डिनो आता है वो लोग आगे बढ़ के रास्पबेरी पाई पे ये कर सकते हैं. इनफैक्ट मैं हूँ एक्चुअली होटल मैनेजमेंट फील्ड से, पर मैं 3 महीने में ना थोड़ी बहुत ये सब जानकारी मतलब थोड़ी बहुत आती है. आप इसमें आई कैसे, वही इतना सोच रहा हूं. ये होगा ना क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट में और ये रोबोटिक्स का रिलेटेड है, तो काफी अलग अलग है. बेसिकली कैसा था, हाँ ये बेसिकली मेरे लिए सेल्स के लिए था, तो इट वाज अबाउट यू नो सेलिंग द वर्कशॉप एंड कोर्सेज एंड ऑल. तो थोड़ी बहुत अभी फिलहाल के लिए मैं यू नो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश कर रही हूँ कि आर्डिनो क्या होता है और किस तरह से काम करता है, यू नो व्हाट ऑल कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस, ये सब अभी थोड़ी थोड़ी नॉलेज में गेन कर रही हूँ. एंड मतलब स्टूडेंट से भी बात करके या हमारे मेंटर्स और ट्रेनर्स से बात करके यू नो पता चलता है कि पहला कैसा बेसिक आर्डिनो होता है, फिर रास्पबेरी पाई होता है, फिर उसके आगे अगर आप पाइथन सिंटैक्स वगैरह ये सब सीखोगे तो यू नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आप यू नो ये कर सकते हो, फिर मतलब आगे रोबोटिक्स वगैरह में आप अपना यू नो पैशन ये कर सकते हो, जैसा डेवलप कर सकते.
If you want, I can connect you to a trainer who will actually give you an idea कि आपको वो Raspberry Pi से you know कैसे ये करना है, use करना है या कुछ ऐसा. If you want to learn about it, क्योंकि आपके पास already है ना, आपने बोला. हाँ, पाई तो है मेरे पास. पाई है उसके उसमें थोड़े बहुत साथ में सेंसर सेंसर भी आए हैं, वो दो चार चीजें हैं उसके साथ में ही. पर हाँ, उसको अच्छे से उपयोग अभी तक शायद नहीं किया है मैंने. तो हाँ, ऐसा कुछ कनेक्ट होगा तो वो भी करके देखेंगे. बेटर होगा कि आप कोई कोर्सेज या ऐसा कुछ यू नो एक ले लीजिएगा, ताकि आपको फिर यू नो Raspberry Pi के बारे में और वो टूलकिट कैसे यूज करते हैं या कुछ यू नो वो आपको पता चलेगा फिर. हाँ हाँ, तो इसका आपका जो ये वाला कोर्स है, इसका क्या सिस्टम है, कितना कॉस्ट होती है, क्या कैसा होता है? यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो है ये सिर्फ 5 दिन का रहेगा. अभी फिलहाल के लिए 17 से मेरे पास एक बैच शुरू हो रहा है और एक दूसरा बैच मेरे पास एक 24 to 28 तक का है, 5 दिन का. तो उसमें हम लोग कैसे पूरा बिगिनर लेवल ऑफ आर्डिनो से लेके इन डेप्थ पूरा नॉलेज दे रहे हैं, और हम लोग इसमें आर्डिनो का टूलकिट भी भेजेंगे आपके घर पे. So you know you will be actually practicing on this Arduino toolkit while doing the online sessions also. So उसमें कैसा 2 घंटे का हम लोग online session रखते हैं, morning और evening में है एक एक, as in whichever is convenient to you. 10 to 12 का है morning में and evening में 4:30 to 6:30 का. So whichever is convenient to you, you can go ahead with that batch वैसा. And ये टोटल प्राइस कैसा रहेगा इसका, 5000 रुपीस हम लोग चार्ज करते हैं, जिसमें आपको द टूल किट, द ट्रेनिंग चार्जेस ऑफ 10 लाइव आवर्स दैट यू हैव टू गिव, यू नो, एंड कुरियर चार्जेस, टैक्सेस, एवरीथिंग इज ऑल इंक्लूडेड इन दिस. सो इट्स जस्ट 5000 रुपीस दैट यू नीड टू पे फॉर दिस एंटायर टूल किट एंड द वर्कशॉप चार्ज. वैसा. अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया है. सर्टिफिकेशन की व्यवस्था है एंड ऑल दैट, यू नो, जस्ट अदर पोस्ट एंड एवरीथिंग आर देयर, दैट आई विल सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप. हाँ बिल्कुल, तो आप भेज देंगी तो फिर मैं देखता हूँ उसमें से क्या यूजफुल है. मतलब ऐसे कुछ मल्टीपल कोर्सेज हैं या फिर वो एक ही कोर्स के बारे में आप भेजने वाली? इसमें बेसिकली आप ये वर्कशॉप है ना, स्पेशली हम लोग आर्डिनो से रिलेटेड ही रखे हैं, मतलब बेसिक्स ऑफ ऑटोमेशन विद इंटीग्रेशन ऑफ आर्डिनो इन इट. ठीक है, मतलब आर्डिनो के बारे में हम लोग हेलो हरिओम. हेलो. हाँ मयूरी जी, आपकी आवाज कहीं. हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, अभी आ रही है. हाँ, तो हमारे पास ऐसे कोर्सेज है बहुत सारे, जो मशीन लर्निंग पे, डेटा एनालिसिस पे, पाइथन सिंटैक्स, ऐप डेवलपमेंट वगैरह, ऐसे बहुत सारे है कोर्सेज. तो मैं आपको वेबसाइट लिंक भी भेजती हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा. अगर आपको कोई यू नो ऐसा इंटरेस्टिंग लगता है तो यू कैन गो अहेड एंड सी. कोर्स डिटेल्स भी दिए गए हैं कि उसमें आपको क्या फायदा होगा या क्या यू नो क्या क्या सीखोगे आप, आपको पता चलेगा. हाँ 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 भाई, मतलब मुझे भी पता चलेगा और मुझे ऐसे भी बहुत लोग मालूम है जिनको शायद इसमें उत्सुकता होगी, तो मैं उनको भी कम से कम बता सकता हूँ कि ये अच्छी चीज है. क्योंकि अभी सब लोग घरों पे ही हैं, तो समय का अच्छे से उपयोग हो, बच्चे फालतू की चीजों में टाइम ना लगाएं, कुछ ना कुछ नया सीखे. बच्चे भी हैं, बड़े भी होते हैं, बड़े भी तो फालतू समय बर्बाद करते ही हैं, कहीं कहीं इधर टीवी देखने बैठ जाएंगे, कुछ भी करेंगे. उससे अच्छा कुछ अच्छा काम, सही काम करें. हाँ. तो हाँ, आप मुझे भेजिए, मैं बताऊंगा और लोगों को भी. ओके. ठीक है मयूर जी, एक मिनट. तो अब बज रहा है 5, तो आज के लिए हम यहाँ पे रुक जाते हैं.
पर पहली कक्षा के लिए आपको मैंने थोड़ी बहुत अच्छी मतलब काफी काम की चीजें बता दी हैं। नहीं ऐसा हम कोशिश करते हैं कि हर बार इतना ज्यादा नहीं बात करें कि आपको याद रखने में मुश्किल हो जाए, और जो भी हम उपयोग करेंगे उसका ही उसी को सीखेंगे। तो जैसे ही आप मैंने बोला कि ठीक है मयूरी जी, तो आप बोल सकती हैं अस्तु अस्तु, तो आपको वो आदत भी अस्तु पड़ेगी। और जैसे हाँ हाँ बोलना है तो आम आम कर सकती हैं, जब जाना है तो आम नमो नमः, शुभ दिन, शुभ संध्या, ये हम बहुत आराम से यूज उपयोग करते हैं, शुभ दिन और शुभ संध्या। अस्तु तो चलिए फिर मयूरी जी, अगली बार मिलते हैं, और 7 बजे वाली कक्षा की भी मैं डिटेल्स भेज दूंगा, यदि आप उसमें भी आना चाहें तो लिंक यूज करके आ सकती हैं। आचार्य अस्तु मयूरी महोदया, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, नमो नमः। शुभरात्रि शुभ संध्या नमो नमः आचार्य। नमो नमः मयूरी जी।